हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आसानी से फाइंड कर सकते हैं और आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम लोग उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हालांकि आईपी एड्रेस एक बहुत ही बड़े टॉपिक है, इस पर कभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों, हम आज जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आईपी एड्रेस की बात की जाए तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, आईपी वर्जन 4 होता है और आईपी वर्जन 6 होता है। आईपी एड्रेस को बेसिकली ऐसे समझिए कि आईपी एड्रेस किसी भी पॉइंट को पहचानने का एक तरीका है, जिससे हम लोग आसानी से, क्योंकि हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को हम लोग सेव करने के लिए किसी नाम से, जिसका भी व्यक्ति का रहता है उसका नाम से, उसके नाम से सेव करते हैं ताकि हम लोग को याद है और आसानी से हम उस वेबसाइट तक या उस नाम को खोज सके और पहुंच सके। और ऐसे ही बेसिकली हम लोग कितने नाम को याद करेंगे, इसलिए आईपी एड्रेस आसानी से हम लोग किसी भी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं और उस वहां पे पहुंचा जा सकता है। अपनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करने के लिए सबसे पहले हम कमांड को ओपन करेंगे, और कमांड को ओपन करना आप सब जानते ही हैं कि विंडोज आप प्रेस करेंगे तो सीएमडी ओपन, उसको बोलते हैं ट्रेसर्ड स्पेस। जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक का जानना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे www.facebook.com, मतलब ट्रेसर्ड स्पेस जो उसका किसी वेबसाइट का यूआरएल है वो टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोड लिख के आ रहा है 6917125035, और यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है 37 ms और 374 ms, इस तरीके से यह जो है वो टाइम टू लीक। अब यही आईपी एड्रेस यहाँ पे जो दिखा रहा है, इस आईपी एड्रेस को हम इस वेबसाइट में आकर जैसे ही टाइप करेंगे हमारा facebook.com खुल जाएगा। चलिए यह भी करके देख लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे 6917125035 और इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यही आईपी एड्रेस जैसे मैंने यूआरएल में टाइप किया हमारी वेबसाइट खुल के आ गई। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।